झारखंड में चुनावी माहौल के बीच सीबीआई ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार को बिहार झारखंड बॉर्डर पर स्थित कई ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापेमारी की। वहीं भागलपुर जिले में 8 जगहों पर छापे में लाखों रुपए नगद और करोड़ों रुपए के सोने चांदी के गहने बरामद हुए हैं। जानकारी के अनुसार सीबीआई की टीम ने राजधानी रांची और साहबगंज सहित 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं इस कार्रवाई में साहबगंज जिले के मिर्जा चौकी और बरहरवा में प्रमुख पत्थर व्यवसायियों जैसे कि रंजन वर्मा, अवध किशोर सिंह, टिंकल भगत, संजय जायसवाल, कृष्णा शाह, भगवान भगत, सुब्रतो पाल और महताब आलम के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। इस छापेमारी से जिले के पत्थर व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। भागलपुर में मामूली विवाद के बाद हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लाइसेंसी, 2 नाली बंदूक, एक लाइसेंसी 32 बोर की रिवाल्वर, 12 बोर के 34 जिंदा कारतूस, 32 बोर के 37 जिंदा गोलियां, एक खोखा और आर्म्स लाइसेंस बुक बरामद की है। बुधवार को कहलगांव डीएसपी अर्जुन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी जयराम के द्वारा गाली गलौज किए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शंभुनाथ को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गांव में शंभुनाथ राय और उसके परिवार के बीच झगड़ा हो रहा है। झगड़ा में शंभुनाथ राय जो है फायर किया हुआ है जान से मारने के उद्देश्य से। तो जब वहां पहुंचा गया तो देखा कि उसके हाथ में रिवॉल्वर था, तो रिवॉल्वर लेकर के वो धमकी भी दे रहा था। रिवॉल्वर लिया गया, फिर घर की तलाशी की गई तो 12 बोर का उसके पास एक लाया गया दूसरा गन। दोनों गन उसका लाइसेंसी है, जम्मू कश्मीर से लाइसेंस निर्गत है, परंतु एक 12 बोर वाले का लाइसेंस जो है 2023 तक ही है और पिस्टल का रिवॉल्वर का गन है 25 तक रजिस्टर्ड है। वह बतलाता है कि मैं गार्ड हूँ, मैं लाइसेंस लिया हूँ, परंतु लाइसेंस जो है रिन्यूअल नहीं है। दूसरी चीज़ की जो इनको गोली मिली थी उसकी संख्या 45 और 36 था, परंतु उसमें से उतना गोली न होगा कि गोली कम होगा। पूछा गया क्या किए गोली, तो बोला कि हमने फायर किया है। इसका इतिहास क्या रहा है? इतिहास इसका है, आपराधिक इतिहास है। 2012 में एक केस हुआ है, आर्म्स एक्ट का ही केस हुआ है। फायरिंग सर किस मामले को लेकर क्या है? उसका कहना है कि जमीन के विवाद, भाई भाई हमको मारने आए और फायर किया। उनका कहना है कि आत्मरक्षा में नहीं, आत्मरक्षा में नहीं, लेकिन वो भाइयों के बीच दहशत फैलाने के लिए उद्देश्य ही। विवाद का कारण क्या था? जमीन विवाद बता रहा है। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के दूसरे दिन खरना के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भागलपुर के बरारी सीढ़ी घाट पर गंगा स्नान के लिए उमड़ रहे हैं। भागलपुर, बांका, मुंगेर और आसपास के जिलों से लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। वहीं गंगा स्नान कर व्रती गंगा जल घर ले जाते हैं, जिनका उपयोग पूजा की तैयारियों में और छठ के प्रसाद बनाने में किया जाएगा। स्नान के बाद श्रद्धालु छठी मैया की महिमा का बखान करते हुए अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। एक कॉलोनी भागलपुर आए थे, गंगा जी आया स्नान करने के लिए। आज खरना है? हाँ, आज खरना है। जल लेकर जा रहे हैं, उसको क्या क्या होगा? जल लेके जा रहे हैं, प्रसादी बनेगा और कल ठेकुआ बनेगा और यही सब खरना होगा तो पूजा पाठ होगा। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत भरोसा है। मैया सुनती है? हाँ, बिल्कुल सुनती है, मैया पर पूरा भरोसा है जी। बैलपुर से, हुसैनाबाद से। हाँ, बरारी गंगा स्नान करने, गंगा स्नान करने आए हैं। गंगा जल लेकर जा रहे हैं, इसका क्या होगा? घर जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर खरना में गंगा जल करेंगे, फिर पहली अरह को ठेकुआ बनाएंगे, उसमें गंगा जल देंगे। छठी मैया पर कितना भरोसा? बहुत असीम कृपा है, सुनी है भी और सुनती भी है। कितना विश्वास है? अटल विश्वास है उस पे, गंगा नहाने। हाँ, जल जो लेकर जा रहे हैं गंगा जल, उसका क्या होगा? पकवान पकाएंगे, सब चीज में छिटेंगे। खरना का भी प्रसाद इसी से तैयार होगा? हाँ, इसी से तैयार होगा। छठ मैया सुनती है? सुनती ना है था, बहुत सुनती है।
छठ पूजा के महापर्व पर भागलपुर के छठ घाटों पर उभरने वाली भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को किसी तरह की समस्या ना हो इसके लिए ट्रैफिक में बदलाव किए गए हैं। भागलपुर के कई रूट्स पर भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है, जबकि कुछ रूट को डायवर्ट किया गया है। ट्रैफिक DSP आशीष कुमार सिंह खुद इस व्यवस्था का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आइए देखते हैं कि भागलपुर के ट्रैफिक रूट्स में क्या बदलाव किए गए हैं। छठ का महापर्व है, उसके लिए हम लोग पूरा सब लोग जुटे हुए हैं। अब के पुलिस कर्मी तो छठ में घर नहीं जा सकते, हम लोग हमारे सारे लड़के लड़कियां जितने भी अफसर हैं, कांस्टेबल हैं, SI हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, सभी के घर में पर्व होता है, लेकिन हम लोग नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ हम लोग पोस्टेड हैं। तो यहाँ के जो छठ व्रती हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और हम लोग वर्दीधारी हैं, तो उनको सुविधा प्रदान करना फर्स्ट प्रायोरिटी है हम लोगों की। तो हम लोग उसके लिए एकदम लगे हैं हुए हैं, चाक चौबंद लोग व्यवस्था किए हैं हमारे बड़ी पदाधिकारी DM साहब, SP साहब, SSP साहब। शुरुआत तो हम लोग अब जो टाउन का है जनरली यूनिवर्सिटी एरिया से हम लोग शुरू किए, भी यूनिवर्सिटी, गोलाघाट, कुशाहा गोलाघाट, सखीचंद घाट, बुरानाथ, आदमपुर घाट, धोबिया घाट कहलाता है, कोयला घाट कहलाता है, SM कॉलेज घाट, हनुमान घाट, पिपली धाम घाट, सीढ़ी घाट, बराड़ी घाट इत्यादि कई घाट छोटी भी होगी, ये सभी जगह पे छठ व्रत लोग आएंगे और डाला लेके सभी लोग आएंगे, तो उसमें हम लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना है। उसके लिए हम लोग सभी पोस्ट पे जहाँ जहाँ रोड से अंदर घाट वाले में ज़्यादा रस नहीं हो गाड़ियों का, उस जगह हम लोगों ने सभी जवान की प्रतिनियुक्ति किया है, ट्रॉली लगवाया है, बहुत जगह बैरियर बने हैं जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है, बहुत सारे जगह पार्किंग की व्यवस्था स्पेशल है, जैसे आप बराड़ी में ज़्यादा रस होता है वहाँ हरिमोहन राय हाई स्कूल है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था है, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पार्किंग की व्यवस्था है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर में लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन आसन और अन्य नगर निगम कर्मचारियों ने शहर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत बूढ़ानाथ घाट से की गई और उसके बाद खिरनी घाट, आदमपुर घाट, पिपली धाम घाट, बरारी घाट, सीढ़ी घाट सहित अन्य घाटों का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान आदमपुर घाट की व्यवस्था सबसे सुंदर पाई गई, जबकि अन्य घाटों पर बैरिकेडिंग और प्रकाश की व्यवस्था में कुछ खामियां दिखी। महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आश्वासन दिया कि सभी अधूरे कार्य कल तक पूरे कर लिए जाएंगे। महापौर महोदय और स्टैंडिंग की मेरी पूरी टीम, सिटी मैनेजर साहब और योजना प्रभारी सब लोगों के साथ बरारी बूढ़ानाथ घाट से हम लोग निरीक्षण करना स्टार्ट किए और पूरा बरारी घाट तक आए। उसमें से जो सबसे बेहतर घाट हमको लगा वो आदमपुर घाट था और लंच घाट था, और बरारी घाट में भी बहुत सारा काम बाकी है। उसमें काम भी बाकी है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था ठीक नहीं थी, उसके लिए हमने सिटी मैनेजर और योजना प्रभारी को बोला है, और जितना भी तरह का लाइट देखे कि लग रहा था लाइट की व्यवस्था हो रही थी, और कई अन्य घाटों में इसके अलावा, इन तीनों घाटों के अलावा जैसे खिरनी घाट और भी पिपली धाम घाट, ये सारे घाटों पर अभी पुआल कसार की व्यवस्था नहीं हो पाई है सही ढंग से। उन सब चीज़ों के लिए हमने निर्देशित किया है कि पुआल कसार की व्यवस्था करें, और लोग लेके आ जा रहे थे और अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हमको लगता है कल तक वो भी दुरुस्त हो जाएगा। भागलपुर के खगड़िया जिले के पसराहा थाना क्षेत्र के महदीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई फायरिंग में पसराहा थाना अध्यक्ष संजय विश्वास घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव में जमीन विवाद को लेकर झड़प हो रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष संजय विश्वास अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। इसी दौरान वहां फायरिंग होने लगी, जिसमें सहेंद्र सिंह नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि थाना अध्यक्ष संजय विश्वास घायल हो गए।
घायल थाना अध्यक्ष को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टरों ने उनकी हालत को खतरे से बाहर बताया है। शाम को गोबरी से रजिस्ट्री करवा के आए थे घर, तो गेट पे जैसे पहुंचा तो गेट पे ही मर्डर हुआ, तो दो आदमी था उसको पहचाना, छह आदमी था टोटल। अच्छा, दो आदमी को पहचाना। अच्छा, मृतक का पत्नी था, तो पहचानी दो आदमी को। एक था सजारपुर गांव का है, चिकू कुमार है, उसका पिताजी का नाम नवीन सिंह से ऐसे कुछ है। एक कमरी का है, थाना के नजदीक में उसका घर है, उसका नाम हमको पता नहीं है। अच्छा, क्या चीज से छह लोग जो आए थे, क्या चीज से आए थे? हथियार से मर्डर किया। अच्छा, बाइक से आए थे या ऐसे? ऐसे पैदल था, मेरा था बगल में बगीचा वगीचा है, उधर ही भाग गया। दो आदमी पहचाना हो। अच्छा अच्छा, दो आदमी की जो पहचाना हो। फिर क्या हुआ घटना? उसके बाद हल्ला हुआ था, हम सब तुरंत वही पास हम बैठे थे, घर आए थे तुरंत। उसके बाद जैसे पता चला था, हम सब गए तो गेट पे ही गिरा हुआ था। अच्छा, क्या आपको क्या लगा था, क्या वो गोली लगा या फिर क्या? नहीं, गोली वो तो हथियार से मर्डर किया गया, गोली मारा गया। अच्छा, सुल्तानगंज में छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने अजगैबीनाथ धाम के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को अजगैबीनाथ छठ घाट, नमामि छठ घाट, बड़ी दुर्गा मंदिर छठ घाट और कृष्णगढ़ छठ घाट पर बैरिकेडिंग, माइकिंग, SDRF टीम और नावों की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और नगर उप सभापति नीलम देवी के बीच बैनर और पोस्टर को लेकर बहस हुई, जिसे विधायक ने शांत कराया। विधायक ने खासकर कृष्णगढ़ घाट को खतरनाक मानते हुए अधिकारियों को यहां SDRF टीम और नाव की तैनाती के आदेश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में विधायक और नगर सभापति ने आश्वासन दिया कि सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी और जो भी खामियां हैं उन्हें समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान नगर परिषद के कई अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भागलपुर के बाईपास थाना अंतर्गत खरवा नीम मोड़ चौक के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को पिस्तौल और चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान रमेश यादव के रूप में हुई है, जो बड़ी खुटाहा गांव का रहने वाला है। बाईपास थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की गहन छानबीन की जा रही है।